दुर्गियाना कमेटी की अज चोणां होईआं जिहदे विच कि लक्ष्मीकांता चावला उहनां वल्लों जित हासिल की गई है, तो उस दे विच इक वड्डी जीत हुई है। तो चारे जिहड़े पद सी उहदे विच लक्ष्मीकांता चावला उहनां दा जिहड़ा ग्रुप सी उहदे जित हासिल हुई है। तो उस तों बाद इस वेले लक्ष्मीकांता चावला जी इत्थे मौजूद ने, असीं उहनां नाल गलबात करांगे। तो मीडिया नाल गलबात करदे हुए नज़र आ रहे, असीं उहनां नाल गलबात करांगे कि आखिरकार की उहनां दे फ्यूचर प्लैनस ने। तो असीं इस वेले मंदिर 'च मौजूद हाँ, तुसीं वेख सकदे हो कि इस वेले उह इत्थे मौजूद ने। असीं उहनां नाल गलबात करांगे कि आखिरकार उन्हों का की कहना। तो एक लंबे समय बाद एक जरा गुट सिंह की जित हुई है, क्योंकि बीते लंबे समय तो जरा सी शर्मा परिवार उत्थे काबज सी, तो इस बार चोणा हुई तो पहली बार जरा चोणा हुई, तो चोणा के जित हासिल हुई। साडे नाल लक्ष्मीकांता चावला जी मौजूद है, कहना चाहोगे अज जित हुई है, किस तरह देखते हो? सूरज गयो भाजी, थोड़ा किस तरह देखते हो? घूम गयो ये जीत अमृतसर के प्रबुद्ध नागरिक संगठन और सारी पार्टियों के कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत कुछ विरोध किया, मेरे सगे लोगों ने किया, बाहर से नहीं हुआ। और हमारे संगठन का तो बहुत योगदान है, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बिग जीरो हूँ उनके बिना। और सबसे बड़ी बात बजरंग बली, मैं घर बैठी थी, मुझे बुलाया गया कि रमेश जी के सामने कोई कागज भरने को तैयार नहीं है। मैंने कहा भाई अगर ये चुनौती है तो चुनौती मैं बजरंगबली जी की बेटी हूँ, ये चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ। और वो चुनौती उन्होंने खुद ही रक्षा कर ली है। अभी तो चुनाव जीती हूँ, जिस दिन से कागज भरे थे उस दिन से मेरी आँखों के आगे आ रहा था कि दुर्गियाना में क्या क्या करना है। मुझे लगता है यहाँ 12 से 18 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था ठीक होगी। पिछली कमेटी में क्या कमियाँ थी जो इस बार आपको चुना गया? देखो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कुछ कमियाँ सब में रहती हैं, मैं अब किसी की कमियाँ नहीं गिनाऊंगी। हम अच्छे से काम करें और पुरानी कमेटी के जो अच्छे लोग हैं उनका मैं सहयोग लूंगी। आज सुबह मैंने यहाँ आते ही जैसे पूर्व प्रधान रमेश जी मिले, उनकी बाजू पकड़ी, मैंने कहा हम मिलकर काम करेंगे, आप जीत गए तो मैं आपको सहयोग दूंगी, मैं जीत गई तो आपका सहयोग लूंगी। हर एक में कोई ना कोई गुण विशेषता है, हम लेंगे। अक्सर ईर्ष्या की भाव से किया जाता है, लेकिन आपने ये एक नया स्टेप किया है कि सबको साथ लेकर चलने की बात। सबको साथ लेंगे, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे। विरोध कोई नहीं, उनकी लाइन जितनी बड़ी है मुझसे अपनी बड़ी लाइन करेंगे। मेंबर्स के साथ साथ कुछ बाहर के लोगों ने भी आपके समर्थन में बहुत सारी वीडियोस निकाली, आपको समर्थन किया? समर्थन भी दिया है, वोट भी दिया है, साधु संतों ने भी दिया है, मैं सबकी धन्यवादी हूँ और सबकी उम्मीद और सबकी मैं अपने शहर वासियों की, भक्तों की, वैष्णव भक्तों की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इसके लिए मैं रोज सुबह बजरंग बली से बल मांगूंगी, बुद्धि मांगूंगी, शक्ति मांगूंगी और काम में लग जाऊंगी। मैं पहले बजरंग बली जी का, अपने संगठन का, अपने स्वर्गीय माता पिता का धन्यवाद करते हुए कोई भी काम संभालने से पहले दो ही काम करने, एक ज्वाला माता जी के दर्शन करने, एक बजरंग बली जी का चुपहरा देना है, उसके बाद में काम सारे हाथ खड़े करके मैडम एक और परिवार की लक्ष्मी का चावला की मैडम एक और सवाल है। जिसके पास जो होगा वही देगा। मेरे पिता ने एक बात बताई थी कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप गाली मत वापस दो, उसके पास गाली है, आपके पास आशीर्वाद है, उसको आशीर्वाद दो, वो अपने आप अपनी चीज वापस ले लेगा। पर कहा जाता था कि क्या प्रधान के उनके सामने खड़ा कोई नहीं हो सकता, मुझे यही कौन नहीं खड़ा हो सकता, वो कह रहे थे कि उनके आगे कोई खड़ा भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने काम ही बहुत अच्छे किए। देखो बजरंग बली की दिया है, जब मुझे संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो वैसे तो मैं बादल साहब का धन्यवाद करती हूँ, बादल साहब ने भी मेरे काम में कभी दखल नहीं दिया था और मुझे काम करने का मौका दिया, कोई कष्ट नहीं है। कोई नई ऐसी चीजें जो आप लाना चाहेंगे, क्योंकि इस बात की तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ है भाई। मैंने पहले कहा है संस्कृत का प्रचार प्रसार, और अमृतसर के जितने बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे किसी भी स्कूल कॉलेज में हम उनको छात्रवृत्ति देंगे दुर्गियाना की तरफ से,
पहले मैं साधन देखूंगी ना, साधन क्या क्या है, नहीं तो अमृतसर की जनता से झोली पर आगे मांगूंगी कि मुझे दो। और दूसरा जो मेरे अब मेरा है, जो यहाँ श्री दुर्गाना तीर्थ के जितने भी कर्मचारी है वो गरीब आदमी है, बहुत थोड़ा वेतन मिलता है, बहुत शोषण होता है, उन सबके बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेवारी दुर्गाना कमेटी लेगी। बीते कुछ समय में ये पता सामने आया था कि कोई बहुत सारा एरोगेंस था प्रधान में, पिछले प्रधान में, उसके बारे में क्या? कोई आरोप नहीं, एक ही बात कही गई है कि 30 करोड़ जमा है तो ये आ गई है। मैंने तो ये पूछना है कि जनता का पैसा 30 करोड़ FD क्यों बना? लोग हमें दान देते हैं काम के लिए, हम FD बना के उसकी ब्याज लेते जा रहे हैं, क्या मतलब है? और जिस बैंक में FD इतनी मोटी करते हैं उनसे लोग काम भी लेते हैं, इतना तो मुझे पता है। महिला के तौर पर आप क्या कहेंगे, महिलाओं को और आगे लाएंगे इस तरह के चुनाव में खास करके? देखो 43 साल पहले इन्होंने कह दिया था, तब की कमेटी ने, कि हमारे सनातन धर्म में महिला को मंदिर कमेटी में लाना पाप है। तब मैंने कह दिया था कि फिर देवियों की पूजा हम करें, देवताओं की आप करो। जिस महिला को 43 साल पहले मेंबर नहीं बनने देते थे महिला होने के नाते, आज अमृतसर की जनता ने, प्रेजेंट कमेटी ने अध्यक्ष पद दिया है। जय श्री राम। मुझे ये बताया गया श्री रमेश शर्मा जी ने कि महिला कर्मचारियों को पुरुषों से कम वेतन देते हैं। मैंने उसी दिन विरोध किया था, मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी कॉलेज में काम किया है, मुझे तो आधा वेतन नहीं मिला, पूरा मिला है, यहाँ की महिलाओं के साथ ये पाप है, कुछ वेतन बढ़ाया था बाकी अब हम करेंगे, अब करेंगे तो बोलेंगे। मतलब उस समय आपको कुछ लगा था मन को कि कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि महिलाओं को आगे लाया जाना चाहिए, जब आपको मेंबर नहीं बनाया? महिला अपने आप आगे आती है, अपने आप आगे आती है, अगर चलती रहे, अगर ईश्वर ने मुझे लंबी उम्र दे दी तो इतने सालों बाद जिसके मंदिर के अंदर मुझे मेंबर नहीं बनने देते थे, आज शहर वालों ने मुझे उसकी अध्यक्ष बनाया है, तो ये तो समय का, ईश्वर का, और मुझे फख्र है मैंने संघर्ष किया लंबा, उस संघर्ष का ये परिणाम है। पहला काम ऐसा जो आप करना चाहेंगे, जो लोगों के लिए आप कहना चाहते हैं? मैं सब भाई बहनों से कहूँगी आप हर रोज मंदिर आइए, और मैं बहुत सारे घंटे दिन के अपने मंदिर में बिताऊंगी, यात्रियों से मिलूंगी, और जो कोई कठिनाई है, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, हम करेंगे। सबसे पहले ये हनुमान जी के मंदिर के बाहर की जो टूटी गंदी सड़क है ना, कीचड़ में हम दलदल में आते हैं, पहले सड़क बनानी है, चाहे मुझे झोली फैलानी पड़े किसी मार्केट में जाके, चाहे ये मुझे पैसा अंदर से मिल जाए। सौंदर्यकरण को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि इसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ, इसके बारे में क्या? मेरे को शारीरिक सुंदरता से ज्यादा पहले पेट के, जो दुर्गाना तीर्थ की सौंदर्यकरण, दुर्गाना तीर्थ की कह रही हूँ, जितना मंदिर बना है उसमें भी बड़े लूप होल है, वो आप उजागर करेंगी घोटाले? मैंने तो ये कहा है, आप लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, जहाँ जो गलत है वो ठीक होगा, जो गलत है वो ठीक होगा। इस मामले की वीडियो भी कड़ी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
संघर्ष भी किया गया सी, तो उसे जिहड़ा है उन्हां नाल गलबात करांगे। मनदीप सिंह मन्ना साडे नाल मौजूद ने। मन्ना जी आओ, आओ, बड़ा नाम सुनिया तुहाडा। अमरीका सपोर्ट दे विच आया गया सी, चाहे तुसीं ना मैंबर सी लेकिन फिर भी तुहाडे नाल सपोर्ट की गई सी, की कहना चाहो? वो किसी भी तरह की चोण लड़न, चाहे वह धर्म की होवे चाहे वह सियासत की होवे, मेरा यह मानना है कि जिथे जिथे भी मैडम जाणगे, चाहे वह कोई भी खिता होवे चाहे कोई भी फील्ड होवे, ईमानदारी उन्होंने नाल नाल जाऊगी, जिदी देश नूं बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जो उन्हें चोण जीती है, मैं दिल दियां गहराइयां तो परमात्मा का भी शुक्र अदा करदा, और ईमानदारी की जित दे उत्ते संगत का भी मैं शुक्रिया जिहड़ा ओह अदा करदा। अक्सर समाजिक मुद्दे ते तुसीं भी गल करदे हो, मैडम भी कई बार वीडियो ऐसी करदे ने, चाहे वह बीजेपी नाल बिलोंग करदे लेकिन समाजिक मुद्दे ते वड्डी गल करदे ने। मैं एक गल उन्हां दी दो चीज़ां ते उन्हां दे नाल नाल ही चलणियां सुमित, नंबर एक ईमानदारी, नंबर दो दलेरी। मतलब जे किसी के नाल कोई वधीकी हुंदी तां मैं तां शहर वासियां नूं एक अपील कीती सी कि तुसीं मैडम नूं इन्ना मतलब लाइटली ना लो, ये तुहाडे शहर दा सुरक्षा कवच ने। मतलब कितें भी कोई वधीकी हुंदी आ, कितें कोई बंदा बोलण तों डरदा, वह जरूरत जिहड़ी आ मैडम लक्ष्मीकांत चावला दे विच आ किसी भी मुद्दे दे उत्ते। मतलब उन्हां नूं बहुत सोशल मीडिया दे उत्ते भी सुनिया जांदा और चंगे मुद्दों के उत्ते बोलते हैं, जिदी समाज में जरूरत है, और वह अपना जिहड़ा हक ने शहर प्रति देश प्रति वह अदा करते रहते हैं, जिन्हां चीज़ों के असी मतलब मरीद हाँ। समझते हो कि इस तरह के होर लोगों को अगर आने की लड़ है? अगर लक्ष्मीकांत चावला जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने मैंबर नहीं मन दिता जाता तो अब अध्यक्ष बने, समय के नाल बहुत बहुत तब्दीलियां होंदियां ने, हर धर्म के भी होंदियां ने, और जिमें अज पहला मैंबर नहीं बन दिता गया, हुण उन्होंने प्रधानगी की चोण के उत्ते उन्होंने प्रधानगी की चोण जीती है। समय के अनुसार जदों जनता जागरूक होंदी है तो उस बहुत सारे बदलाव जिहड़े आउंदे ने, अज उस बदलाव का नतीजा है कि जिन्होंने मैंबर नहीं बन दिता गया अज दुरगैणा कमेटी के प्रधान बने ने। और दूजी चीज़ मैं हर धर्म बारे एक गल जरूर कहनी चाहना कि कल्ले लंगर लाने, कल्ले मतलब फैसिलिटीज़ देनियाँ, ये नहीं अपने धर्म की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा जिहड़ी करना, कोई भी धर्म होवे चाहे वह हिंदू है चाहे वह सिख है चाहे वह क्रिश्चन है चाहे वह मुसलमान है, अपने लोगों की अपने धर्म की जिहड़ी रक्षा करन दे मैडम लक्ष्मीकांत चावला जिहड़े वह समर्थ ने। और मैनूं बहुत खुशी हुई है कि सियासत तो उपर उठ के लोगों ने इन्हां दी चोण कीती, और मेरे दिल की तमन्ना है कि मैडम कल्ले दुरगैणा मंदिर की सेवा नहीं, मतलब हिंदू सेवा नहीं इन्हों को चाहिए, ये सियासत का हिस्सा इन्हों बने रहना चाहिए, ता जो सियासत का गंध है वो इन्हों लोगों तो भै भी खाता, और उस गंदी गंदगी साफ करन दे लोग समर्थ भी है ने। मेरे दिल की तमन्ना कि किसी ना किसी पार्टी बीजेपी के बीजेपी भी उन्होंने कदर करनी चाहिए है कि उन्होंने बतौर MP या कुछ भी उन्होंने नॉमीनेट करना चाहिए, ताजो देश की अपने धर्म की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहन, जिदी समाज में बहुत ज़्यादा लोड़ है। तो सन मनदीप सिंह मन्ना, तो उस तो पहले असी लक्ष्मीकांत चावला नाल भी गलबात की, जिन्होंने आख्या कि वह उन्होंने मैंबर नहीं बन दिता जाता पाया, लेकिन हूँ वह इस ही ट्रस्ट के अध्यक्ष बन के सामने आए हैं। तो 43 साल पुराना एक मंजर जिन्हों याद करके अज भी किसी ने उन्होंने कहा कि मेरा दिल पसीज जाता है क्योंकि मैंने मैंबर नहीं बन दिता गया एक महिला होने के नाते, लेकिन हूँ वह इस ही ट्रस्ट की अध्यक्ष बन के आई ने। सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV, अमृतसर।